A very warm welcome to all of you in your personal health show, Fit Rahe India. दोस्तों हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, पर हम मेंटल फिटनेस को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि चिंता चिता के समान है। हमें फालतू की प्रॉब्लम्स की टेंशन्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और आज हमारा विषय भी यही है। हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस, फटीग और डिप्रेशन के बारे में, और इसके लिए हमारे साथ है हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। वरुण जी, कई बार हमने देखा है कि डिप्रेशन के शिकार लोग हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस उनको हो जाता है, तो क्या योगा में इसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है इसमें। एक तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सिर्फ दिखने में अच्छा जो है शरीर है जिसका, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि यह इंसान जो है स्वस्थ है, फिट है। हमारे शास्त्रों में एक बात भी कही है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, यानी कि जिस व्यक्ति ने जो है संतोष को जान लिया है या संतोष रहना सीख लिया है जिसने, वह व्यक्ति जो है हैप्पी है, खुश है, सेटिस्फाइड जो है सब है उसके पास, और जो है दुख उसके पास नहीं आएंगे। ऐसे ही एक स्वस्थ इंसान किसको हम कहेंगे, इसकी भी हमारे शास्त्रों में एक अलग व्याख्या की गई है, जो है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि समदोष समाग्निश्च, जिसके तीनों दोष वात पित्त और कफ वो सम हो, समाग्निश्च अग्नि, जैसे जठर अग्नि हमारे खाने को जो डाइजेस्ट करती है वो ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा मंद न हो, यानी कि वो ठीक तरह से काम करती हो। हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं होती हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं वो बैलेंस में हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष बात जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि जो इंसान मन से भी प्रसन्न है वह इंसान स्वस्थ है। तो योगा में आप हमें विस्तार से बताइए कि क्या क्या ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने से हम अपने मन को शांत और स्वस्थ रख सकते हैं। देखो, योग की बात में शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, अक्सर हम बोलते हैं कि आज का जो समय है वो एक भाग दौड़ जो है ज़्यादा है, आज के समय में फास्ट लाइफ है, और जो है बड़ा जो है कम समय में लोगों की जो है इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार की इच्छाओं को कम करने की वो कोशिश करें। कम वो कैसे करेंगे, वो अब हम योग की क्रियाएं बताएंगे आपको। इसमें एक तो ओम हम बोलते हैं, कोई भी हम जैसे योग कक्षा जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हम ओम बोलते हैं। ओम का मतलब यहाँ किसी धर्म वगैरह से नहीं है, काफ़ी ओम के ऊपर काफ़ी जो है रिसर्च भी हुआ है, साइंटिस्टों ने काफ़ी रिसर्च किया है और फाइनली पाया है कि इस ओम शब्द में 1.70 लाख समथिंग्स वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे मस्तिष्क की जो है नाड़ी तंत्र को रिलैक्स करते हैं, उसको जो है रिलैक्स करते हैं, उसमें तनाव नहीं आने देते। यानी कि जो मेंटल एक्सरसाइज है वो ओम के द्वारा की जा सकती है ओम के द्वारा। और इसमें जैसे भ्रामरी प्राणायाम हम जो है बताएंगे, भ्रामरी प्राणायाम में जैसे गुंजन जो हम करते हैं, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा जो है वो बड़े बुद्धिमान बड़े जो है साइंटिस्ट होते थे, काफ़ी रिसर्च जो है काफ़ी ऋषि मुनि एक एक आसन को लेकर के, एक एक प्राणायाम को लेकर के प्रकृति से वो सीखते थे, वर्षों तक उस पर शोध करते थे। और आज हम जितनी आसानी से, हाँ ये योग आसन है ये प्राणायाम है, जितनी आसानी से हम कर लेते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े वर्ष लगाए हैं, और वो वर्ष लगा करके काफ़ी समय लगा करके जो देन उन्होंने हमें दी है, विरासत में जो चीज़ हमें मिली है, वो बड़ी ही जो है साइंटिफिकली और जो है बड़ी ही लॉजिकली बड़ी फायदेमंद है हम सब के लिए। जैसे मैं बात कर रहा था भ्रामरी प्राणायाम जैसे भंवरा फूल के ऊपर बैठ के गुंजन करता है, तो वैसे ही अगर हम बैठ करके गुंजन करें तो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र को जो है अच्छे से खोल देता है, वो हर प्रकार के जो है चाहे मानसिक तनाव है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। और मैं साथ में दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों को काम की वजह से ज़्यादा तनाव जो हो जाता है या ज़्यादा मेंटल फटीग वो हो जाते हैं, उस अवस्था में उन लोगों की कहीं ना कहीं निद्रा भी जो है कम हो जाती है, निद्रा में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये जो प्राणायाम है ये उन लोगों के लिए जो है बड़ा ही कारगर है, उनकी जो है नींद को लाने में जो है बड़ा ही मददगार है।
तो दोस्तों, आपने देखा और आपने जाना कि कैसे हम इन समस्याओं से भी छुटकारा योग के द्वारा पा सकते हैं। लेकिन एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपने रूटीन में लाना होगा। अब वरुण जी आपको दिखाएंगे विस्तार से कि कैसे की जाती है ये क्रिया। एक श्वास लीजिए लंबा गहरा। एक बार पुनः। एक और बार। अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे हम तनाव, माइग्रेन, स्ट्रेस जैसी चीज़ों को हम योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जैसे भंवरा, मैंने पहले भी बताया है, भंवरा जैसे फूल के ऊपर बैठ के गुंजन करता है, उस तरह का ये प्राणायाम है। एक श्वास लीजिए आप फिर से वापस नए सिरे से। रोकिएगा, दोनों उंगलियाँ लगाइएगा ईयर के अंदर और वापस करते हुए उसको रिलैक्स। दोनों उंगलियां नीचे, हाथों नीचे रख लीजिएगा। इस प्राणायाम में जैसे कि हमने दिखाया आपको, दोनों फर्स्ट उंगलियां ईयर के अंदर लगाई, उसके बाद जो है गुंजन करते हुए ऐसे भिन्न भिनाहट करते हुए हमने जो है सांस को बाहर निकाला है। तो वो जो भिन्न भिनाहट है उससे हमारे मस्तिष्क की मालिश होती है अच्छे से, और उस मालिश से हमारा जितना भी तनाव है वो बहुत अच्छी तरह से जो है बाहर निकलता है, और साथ ही साथ हमारे पूरे मस्तिष्क के नर्व सिस्टम को रिलैक्स करता है। हमारे मस्तिष्क की जो है सभी जो भी सिस्टम है मस्तिष्क का, उसको अच्छे से रिलैक्स कर देता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दिखाएंगे एक बंद। तीन बंद होते हैं, जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे जालंधर बंद। इसी स्थिति में बैठे रहना है। एक श्वास लीजिएगा, श्वास ले लीजिएगा, रोकिएगा और साथ में चिन को थ्रोट पर टच करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो कंठ कूप होता है हमारा, यहाँ पर चिन को हमें टच करना है और श्वास को रोकना है। श्वास का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 20 से 40 सेकेंड, 20 टू 40 सेकेंड हमें रोकने की कोशिश करनी है। उसके बाद धीरे धीरे से गर्दन को सीधा करना है, सीधा कीजिएगा गर्दन को, और अब धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो पहले गर्दन को सीधा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि गर्दन को भी हम सीधा कर रहे हैं और साथ साथ में श्वास को भी निकाल रहे हैं। पहले गर्दन सीधी करनी है, उसके बाद से श्वास को बाहर निकालना। अब हम इसी क्रम में आपको कुछ योगासन दिखाएंगे जिससे तनाव जैसी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठिएगा, आंखें खोल लीजिएगा, यहीं से अपने राइट लेग को फोल्ड कर लीजिएगा, दाहिने पैर को फोल्ड कीजिएगा और अब बाएं पैर को फोल्ड कर लीजिएगा। रिलैक्स, सीधे बैठिएगा। मैं अगला आसन बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा वज्रासन के लिए। इसको बोलते हैं वज्रासन, मैंने पहले भी बताया है। यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पत्थर की तरह जो है स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हम जो भी खाना खाएं उसको वो जो है जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है। तो जितने भी मेरे साथी युवा वर्ग जो है, ज़्यादातर जो जैसे ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो है पेट ठीक नहीं रहता, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डिनर के बाद वो कम से कम एक या दो मिनट, देखो बड़ा सिंपल सा आसन है, इसको आराम से कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। अब इसी क्रम में हमारा अगला आसन है वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, यानी कि वज्र आसन में दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास भरिएगा और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग कीजिएगा, चलेगा। इनहेल,
होल्ड कीजिएगा। देखिए वज्रासन, वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, श्वास अंदर रुका रहेगा, रिलैक्स। वापसी पर हमें धीरे धीरे जो है श्वास को बाहर निकाल देना, रिलैक्स। यह जो आसन है हमारे युवा वर्ग के तनाव को दूर करने में बड़ा सहायक वो क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग बैठ करके काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने वो रहते हैं, तो उनको इस स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे सर्वाइकल वगैरह, या फिर जो है नेक में प्रॉब्लम, या फिर बैक में प्रॉब्लम। तो इस आसन से हमारी जो स्पाइन है वो जो है उसको आराम मिलता है अच्छे से, और सर्वाइकल जैसी चीज़ों को जो है यह आसन दूर करता है। अब हमारा अगला आसन है योग मुद्रा आसन। सीधा बैठ जाइएगा, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा सबसे पहले। अब अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखिएगा, और अब बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रख लीजिएगा। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके आइएगा और आराम से दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिएगा, और श्वास को निकालते हुए सर को नीचे टच करना है। एक्सहेल और सर को नीचे टच कीजिएगा, यह योग मुद्रा आसन। यह एक विशेष प्रकार की मुद्रा है जिससे हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलते हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे से वापस। इस मुद्रा को हम 2 से 3 बार 4 बार हम आराम से कर सकते हैं, रिलैक्स कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने युवा वर्ग को, हम जो भी ये क्रियाएँ आपके सामने जो करके दिखा रहे हैं, आप लोग किसी एक्सपर्ट के जो है अंदर में ही ये करें, एक्सपर्ट की सहायता से ही ये करें, अलग से या अलग से अगर आप लोग करते हो उसमें ज़्यादा अगर जो है जोर लग सकता है, जर्क भी आ सकता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब हमारा अगला आसन है हल आसन। दोनों पैरों को जो है उठाइएगा और दोनों हाथों को कमर के पीछे उसको जो है सपोर्ट देना है, हमें सहायता देनी है, उठा लीजिएगा। दोनों हाथों को कमर के पीछे लगाइएगा पहले। अब धीरे धीरे से दोनों पैरों को पीछे की तरफ हमें टच करना है और दोनों हाथों को सामने सीधा कर लेना है, बिल्कुल सही। होल्ड कीजिएगा, देखिए यह है हल आसन, हल की तरह आकृति वाला आसन। हल आसन हमारी कमर को लचीला बनाता है, साथ ही साथ हमारे जो है पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे बढ़े हुए पेट को, पेट का जो बढ़ना जो है उसको रोकता है, और बढ़े हुए पेट को कम करने में जो है हमारी सहायता करता है। अब धीरे धीरे से वापस आइएगा ऐसे ही आराम से, रिलैक्स। इस आसन में भी आप 10 से 15 सेकंड आप जो है रोक सकते हैं इस आसन को आराम से श्वास के साथ, और इस आसन में जो श्वास का जो रहेगा, जो क्रम रहेगा वो ये रहेगा, जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं तो श्वास उसको में जो है अंदर लेना है, जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं तो श्वास को सामान्य हम कर सकते हैं। अब हमारा अगला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है, पहले जो हमने बताया वो खड़े होकर के बताया है, तो लेकिन ताड़ासन हम लेट करके भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में जो है ज्वाइंट कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, और पाम को बाहर की तरफ निकालते हुए सर के ऊपर लेके आइएगा, और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ हमें हाथों को खींचना है, नीचे पैरों को ऊपर जो है स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। देखिए यह आसन हमें तुरंत थकान से जो है रिलैक्स करता है, रिलैक्स। और इस आसन को जो है 4 से 5 बार आराम से कीजिएगा, आप महसूस करेंगे तुरंत उसके बाद काफ़ी रिलैक्स आपको लगेगा। अब हमें लेफ्ट साइड करवट लेकर के जो है बैठना है, लेफ्ट साइड करवट लीजिए और बैठिएगा, और दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके आइएगा और मकर आसन कीजिएगा। जैसे शव आसन सीधे लेट करके रिलैक्स करने वाला पोज है, ऐसे ही पेट की तरफ लेट करके करने वाला जो रिलैक्स पोज है वह है मकर आसन।
अब हमें करना है इस आसन में भुजंगासन, केवल भुजंगासन। दोनों हाथों को शोल्डर की साइड में रख लीजिएगा, पैर पीछे से मिला के रखिएगा और श्वास भरते हुए सामने से ऊपर उठिएगा। इनहेल, भरेगा श्वास और रोकिएगा। देखिए कैसे हमने अपने सर को, अपर बॉडी को कैसे सर्प जैसे अपने फन को उठाता है वैसे हमने उठाया है। इसी वजह से इस आसन का नाम है भुजंगासन। भुजंग वैसे सर्प को बोलते हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे से नीचे लेके आइए। भुजंगासन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सर्प की आकृति वाला यह आसन है, भुजंगासन हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है, हमारी भुजाओं को मजबूत बनाता है और हमें स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं जो आ जाती हैं ऑफिस वगैरह में बैठे हुए या वैसे भी कुछ काम करते हुए, उससे जो है हमें निजात दिलाता है और साथ ही साथ हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको लचीला बनाने में बड़ा ही मददगार है। अब इसी आसन की स्थिति में आप लोग शवासन में आ जाइएगा, शवासन में लेट जाइएगा ऐसे कि ऐसे साइड से करवट लेते हुए। अब मैं दर्शकों को कुछ हल्का सा मेडिटेशन कि जिसको करते हुए हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, कैसे यह प्रक्रिया हमें करनी है देखिए ध्यान से। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, पाम को ऊपर की तरफ, आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, कोई तनाव नहीं है शरीर में, शरीर को हमें बिल्कुल भूल जाना है, शरीर से बाहर जो चल रहा है उसको बिल्कुल हमें भूल जाना है, केवल श्वास पर हमें ध्यान देना है, केवल हमें प्राण पर नियंत्रण करना है, धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है। जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं वैसे वैसे हमें महसूस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वायु, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ रही है और जैसे जैसे हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं वैसे वैसे हमें महसूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकल रही है और जैसे जैसे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वैसे वैसे एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति हमारे शरीर में आ रही है और जैसे जैसे हम दूषित वायु को बाहर निकाल रहे हैं वैसे वैसे हमें महसूस करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो महसूस करना है हमारा शरीर उसके साथ साथ हल्का होता जा रहा है, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार हमें श्वास लेते रहना है और साथ ही साथ महसूस करते रहना है। श्वास के साथ साथ हमें महसूस ये भी करना है कि जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं इस संसार की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितने भी अच्छे कर्म हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब हमारे शरीर में धीरे धीरे अंदर समा रही हैं और जैसे जैसे बाहर हम श्वास को निकाल रहे हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के राग, द्वेष, लोभ, मोह, लालच जैसी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे से लंबे गहरे हमें श्वास लेते रहना है और धीरे धीरे से मस्तिष्क से लेकर हमें एक एक अंग पर कंसंट्रेट करना है और साथ ही साथ प्रार्थना करनी है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने यह कितना अमूल्य शरीर हमें दिया है, इस शरीर को हम अच्छे से जो है इस संसार में जो है चलाएं, चाहे वो मानसिक रूप से है चाहे वो शारीरिक रूप से है। धीरे धीरे इसी प्रकार श्वास हमें लेते रहना है और एक एक अंग को जो है कॉन्सनट्रेट करते हुए उसके जो है स्वस्थ रहने की कामना करते हुए हमें रिलैक्स करना है। यह स्थिति हम डेली 10 मिनट 15 मिनट ऑफिस से आकर के आराम से हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। रिलैक्स। अब हम मकर आसन की पोज में आएंगे, वापस मकर आसन की पोज में आ जाइएगा ऐसे कैसे, पेट की तरफ लेटिएगा और बैठ जाइएगा, बैठिएगा, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइएगा। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा आराम से और सीधे बैठिएगा। दोस्तों, तनाव बड़ा ही पेचीदा आभास है जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं
वो चाहे हम अपने संबंधों, हमारी नौकरी या बहुत सारी अनियंत्रित स्थितियों की वजह से, चाहे वो वह पैदा होता है, उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उस पर जो है नियंत्रण पाने के लिए हमें कुछ आदर्श प्रयत्न करने चाहिए। ऐसा आदर्श प्रयत्न सिर्फ योग ही है। इस योग से हम तनाव की पकड़ को ढीली करके हम अपनी जिंदगी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि वरुण जी ने हमें बताया योग से ना केवल आप अपने शरीर को बल्कि अपने दिमाग को भी, अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाइट की, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर वानी। डॉक्टर वानी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर वानी, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, मेंटल फटीग और स्ट्रेस की, तो क्या खाना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, इन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार है कि डाइट हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या कोई फूड कंटेंट हम लोग मिसिंग कर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं जिससे हमें ये तकलीफ हो जाती है? हाँ, ऑफकोर्स डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डाइट की अगर अब गुड हेल्थ की डेफिनेशन लें तो गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं है। गुड हेल्थ मीन्स दैट यू आर ऑल्सो मेंटली हेल्दी। और डाइट हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ एज वेल। तो अगर आप अपनी डाइट बैलेंस्ड तरीके से खा रहे हैं, हर फूड ग्रुप से रोज़ अपनी न्यूट्रिशियस फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं डाइट में, तो यू विल बी फिजिकली फिट एज वेल एज यू विल बी मेंटली फिट। वन वेरी गुड एग्जांपल इज़ कि अगर सपोजिंग यू नो यू सी कि अगर आपने मील मिस कर दिया, यू वर बिजी इन अ मीटिंग और आपका कोई खाने का वो टाइम नहीं मिला आपको, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी टायर्ड, यू विल बी इरिटेबल, आपको हेडेक हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और उसका फिजियोलॉजिकल रीज़न ये है कि आपका बॉडी का शुगर लेवल कम हो गया। तो अगर आप मील मिस करते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो यू विल फील दैट यू नो लिटिल डेफिशिएंसी फॉलिंग इन आर बॉडी। यू विल फील टायर्ड, यू विल फील डल, आप डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, आपका काम करने का मन नहीं, किसी में मन नहीं लगेगा। राइट। तो ये आपने बताया कि किन किन चीज़ों के या क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे हमें ये समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कई बार जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो वो कंफर्ट फूड का सहारा ले लेते हैं, लाइक शुगर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, केक्स, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों का इनटेक, फ्राइड फूड, कम्फर्ट फूड, उनको फूड जो है वो कम्फर्ट देने लगता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या उसके क्या रीज़न्स हैं? देखो, फूड इज़ नॉट ओनली सेटिस्फाइंग हंगर, फूड ऑल्सो सेटिस्फाइज योर सोल। तो कई बार अगर आप भूखे नहीं भी हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट हंग्री, और सामने कोई फेवरेट फूड नज़र आ जाएगा, फील लाइक उसको छोड़ेंगे नहीं। सो कम्फर्ट फूड्स वो देन अगर आप वो कम्फर्ट फूड खा लें या वो फूड जिससे आपको खुशी मिल रही है वो आप खा लें, तो यू फील कि आप लोनली नहीं हैं। तो कई लोग जैसे हॉस्टल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, घर से दूर हैं, तो अपने आप को वो लोनली ना फील करें, इसलिए वो जो भी सामने हाथ में आया, चिप्स पड़े हैं तो वो खा लिए, कुछ मीठे बिस्किट्स पड़े हैं तो वो खा लिए, बिकॉज फूड गिव्स यू दैट सोलेस, दैट कॉन्फिडेंस, दैट हैप्पीनेस यू गेट आउट ऑफ फूड। पर दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, अगर आप वही चीज़ें खाते रहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ टॉल ऑन योर हेल्थ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी इंक्लूड फूड्स विच आर न्यूट्रिशियस, एंड फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन स्पोकन ऑफ नट्स, वी स्पोकन ऑफ स्प्राउट्स, वी स्पोकन ऑफ फ्रूट्स। अगर भूख लग रही है तो एक एप्पल खा लें या बनाना खा लें। यूजली लोग सोचते हैं कि बनाना बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसको खाने से वेट पुट ऑन होता है, बट इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन कंज्यूमिंग अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स और अ पैकेट ऑफ चिप्स, because it's going to give you first that instant energy, you will feel positive, right. And then you will not put on weight, as in agar aap jo sirf calories khaye ja rahe hain saath mein bahut sare nutrients bhi mil rahe hain, right. तो डॉक्टर वानी, जो ऑलरेडी इस समस्या से, जो समस्या को फेस कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं ऑलरेडी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, फ्रॉम द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं वो अपने आप को एक्टिव रखें, फिट रखें। जैसे सुबह उठें, हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एंड थोड़ा नींबू डाल लें उसमें, इट्स गोइंग टू क्लेंज योर सिस्टम, एंड देन गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग। फिजिकली एक्टिव रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो जितना अपने आप को लोनली और अकेला रखते हैं वो और उसमें अंदर घुसते जाते हैं। और अगर भूख लगती है तो अपने साथ हैंडी चीज़ें रखें, फ्रूट्स रखें, फ्राइड फूड्स ना खाएं, दोज आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट ऑल्सो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड फिजिकल फिटनेस
is definitely there is a link between depression. And if the problem persists, I would suggest कि किसी clinical psychologist को दिखाएं, doctor की सलाह ले लें. Thank you, Dr. Vani. आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इन सारी जानकारियों से काफ़ी लाभ होगा. दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग का भ्रम होता है डिप्रेशन, तो ये ज़रूर जांच लें कि ये क्या माइंड की उपज है या सच में आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है. और अब समय हो गया है हमारी क्विक आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी. तो चलिए चलते हैं उनके पास. आयुर्वेद का मतलब है आयु का विज्ञान, अर्थात हम अपनी आयु को बढ़ाते हुए संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हों. तो आज हम बात करेंगे छोटी इलायची के विषय में. छोटी इलायची हमारे अनेक प्रकार के सिर रोगों का नाश करती है. छोटी इलायची जिनको कितना भी चाहे 20, 30, 50 साल पुराना सिर का दर्द है, माइग्रेन है, आप छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी के साथ दें, 1/4 टीस्पून शाम को सोने से पहले आप दें. कितना भी पुराना माइग्रेन है, कितना भी पुराना कोई सिर दर्द है, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा. इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को अत्यधिक एसिडिटी, अम्ल पित्त की समस्या है, वो भी एक एक इलायची, छोटी इलायची एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दिन में खाना खाने के बाद, रात्रि को खाना खाने के बाद, वो एक छोटी इलायची को चूसते रहें तो उनको हर प्रकार की एसिडिटी से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी. इसके साथ साथ हमें अत्यधिक पसीने का रोग यदि है, हम बहुत ज़्यादा पसीने से दुखी हैं, तो ऐसे में भी हम 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर सुबह और 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शाम को नॉर्मल पानी के साथ लें तो हमें इस पसीने की समस्या से भी निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी. इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को आंतों की कोई समस्या है, अपसन की कोई समस्या है, आँव अगर आता है, तो वो भाई बहन भी छोटी इलायची के द्वारा अपने समस्त उदर रोगों का नाश कर अपने आप को निश्चित रूप से स्वस्थ कर सकते हैं. दोस्तों, चिंतन करना चाहिए लेकिन चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में ही नहीं उसके बारे में सोच के व्यर्थ परेशान होने से कोई फायदा नहीं है. और आई एम श्योर प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली आपके साथ मिलके उस समस्या को जरूर जरूर सॉल्व कर देंगे. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा. आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/doordarshansports. फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, उसके लिए आप जाइए www.facebook.com/doordarshansports. और अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर लिंक है twitter@ddsportsindia. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और हमेशा याद रखें, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग. थैंक यू.